जब मैंने टेक्नो गेमर्स को फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे को लगा कोई 18-19 साल का लड़का है जो गेम्स खेलकर तुक्के से फेमस हो गया। बट जब मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो मेरे को पता चला ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिएटर ऑन यूट्यूब। एक टाइम था जब उनके वीडियोस पर 10 व्यूज भी नहीं आ रहे थे, बट आज उनके पास 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। ये कोई तुक्का नहीं है, बट एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी है। आई मीन आप इस वीडियो में खुद देख सकते हो कि पहले मेरे को बस इतना लगता था, हाँ भाई यूट्यूब पे बस वीडियो डालने से बंदा चल जाता है, ऐसा नहीं होता। हमें कंटेंट ना ऑडियंस के हिसाब से बनाना पड़ता है। अब अच्छी बात यह है कि हम भी सेम स्ट्रेटेजीज यूज करके अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इस 20 साल के लड़के को यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में ऐसा क्या पता है जो हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूं। ये ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो आप अपने खुद के चैनल पर अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। एंड इस वीडियो में आज हम टेक्नो गेमर्स की हर एक स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। एक टाइम था जब यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस को प्रमोट कर रहा था, मतलब वो वीडियोस जो 20 से 25 मिनट की थी, एंड उस टाइम पर मुंबई का निखिल जैसे व्लॉगर्स फेमस हुए थे। बट आज यूट्यूब प्रमोट कर रहा है शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को, मतलब वो वीडियोस जो 60 सेकंड से भी कम की है। शॉर्ट्स के थ्रू तो लोग मिलियनेयर भी बन रहे हैं। आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है कि फाइनेंस विद शरण कैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस से सिर्फ एक साल में मिलियनेयर बन गए। कहने का मतलब ये है कि आपको यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से कंटेंट बनाना चाहिए। मतलब जब बड़ी वीडियोस चल रही है तो बड़ी वीडियोस बनाओ, जब छोटी वीडियोस चल रही है तो छोटी वीडियोस बनाओ। बट यूट्यूब का एल्गोरिथम कितना भी चेंज हो जाए वो हमेशा दो चीजों को देखता है, रिटेंशन एंड वॉच टाइम। मैंने आप किसी भी कैटेगरी के कंटेंट क्रिएटर, किसी भी कैटेगरी में, सिर्फ गेमर्स या फिर स्पेसिफिकली स्ट्रीमर के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, चाहे आप एक यूट्यूबर बनने आ रहे हो ना, एक ही एल्गोरिथम यूट्यूब पे चलता है, वो है वॉच टाइम। आपने अगर 8 मिनट का वीडियो डाला है, अगर आपकी वीडियो एक बंदा, दो बंदा, 50 बंदे, 50% भी देख लेते हैं, तो बस आपको एक ऐसी वीडियो बनानी है जो लोग वॉच टाइम दे उस पे, उसे देखें। अगर आपको दिख रहा है मैं 40 मिनट की वीडियो, अब प्रॉब्लम ये है कि बड़ी वीडियोस पर वॉच टाइम तो अच्छा आ जाता है बट रिटेंशन बहुत ही कम हो जाता है, एंड छोटी वीडियोस पर रिटेंशन तो अच्छा होता है बट वॉच टाइम काफी कम हो जाता है। अब ज्यादातर यूट्यूबर वॉच टाइम एंड रिटेंशन रेट को मेंटेन नहीं कर पाते एंड इसलिए वो फ्लॉप हो जाते हैं। बट टेक्नो गेमर्स ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसके थ्रू वो बड़ी वीडियोस भी डाल रहे हैं एंड उसके साथ साथ उनका रिटेंशन रेट एंड वॉच टाइम दोनों काफी अच्छा है, एंड इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है 47 मिलियन। पहले उसकी स्टोरी लाइन सेटअप करते हैं। गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी 3 और आज हम लोग ग्रैनी के हाउस से एक ट्रेन के थ्रू एस्केप करने वाले हैं। अब उन्होंने बता तो दिया कि वो ग्रैनी का घर एस्केप करेंगे, बट द क्वेश्चन इज कैसे, एंड इसी की वजह से मोस्टली लोग उनकी वीडियो देखना शुरू करते हैं। मैंने काफी वीडियोस में देखा कि लोग सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, ना हेलो ना हाय, उस वीडियो को सेटअप ही नहीं करते। भाई पहले बताओ तो वीडियो है किस बारे में। अब देखो, एक अच्छा आइडिया हुक होना काफी नहीं है, उसके साथ साथ आपको थ्रू आउट द वीडियो टेंशन बिल्ड करके रखनी पड़ती है, एंड यही लाते हैं हमें टेक्नो गेमर्स की सेकंड स्ट्रेटजी के ऊपर जो कि है ही इज मास्टर ऑफ बिल्डिंग टेंशन। देखो यार, टेक्नो गेमर्स का मेन एम उस गेम को अच्छे से खेलना नहीं है बट एक अच्छी खासी यूट्यूब वीडियो बनाना है, एंड इसी चीज की वजह से वो हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ टेंशन बिल्ड करते हैं। टेंशन बोले तो मूवी का वो सीन जो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि अगर आपको वॉशरूम भी जाना तो आपको लगता है कि भाई ये सीन खत्म होने थे, उसके बाद ही वॉशरूम जाऊंगा। सेम ही चीज टेक्नो गेमर अपने वीडियोस में अप्लाई करते हैं। भाई ये सायरन क्यों बजा रहा है, मारेगा तो नहीं ना? इस पे क्या लिखा है? टिकट काउंटर है ये सायरन बजा रहा है, यानी जब भी साउंड होता है तो ग्रैनी या ग्रैंडपा में से कोई या फिर दोनों ही आ जाएंगे मेरे को मारने के लिए। मैं इसको चुप कैसे कराऊं यार? ओ वेट, ग्रैंडपा आ गया सामने से, उस स्लैंडरीना भी, ओ भाई सब शॉट गन लेकर आ रहा है। अब जैसे इस गेम में टेक्नो गेमर्स को पता है कि नॉइस की वजह से ग्रैनी एंड ग्रैंडपा आएंगे उसको मारने के लिए, बट फिर भी वो वहां से भागता नहीं है। उनका मेन एम है कि अपनी यूट्यूब ऑडियंस को हुक्ड रखना, ना कि उस गेम को अच्छे से खेलना, एंड ये चीज आपको उनकी काफी सारी वीडियोस में मिलेगी, मतलब बेफालतू में पंगे लेना। अगर वीडियो बहुत टाइम तक स्मूथ चले ना तो लोग बोर हो जाते कि भाई ये तो बोरिंग साइज में तो कुछ हो ही नहीं रहा, उनको चाहिए हर एक सेकंड कुछ ना कुछ डेंजरस हो, कोई ना कोई मरे वहां पे या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बने, एंड ऐसी सिचुएशन जानबूझ के टेक्नो गेमर्स बनाते भी हैं ताकि ऑडियंस उनकी हुक्ड रहे। टेक्नो गेमर्स अपनी वीडियो में कोई भी बोरिंग पार्ट नहीं रखते, एंड अगर कोई बोरिंग पार्ट होता भी है तो सीन को कट कर देते हैं। आप खुद इस क्लिप में नोटिस करना, इसी के अंदर इसको रखेंगे हम लोग अब से। यार वैसे मैं एक चीज बताऊं, हम लोग ट्रेन एस्केप तो करने वाले हैं बट वो करने के लिए हमें अभी तक कोई भी ऐसी काम की चीज नहीं मिली जो एस्केप में यूज हो।
इन सब चीजों की वजह से ही उनकी 40 मिनट्स की वीडियो सिर्फ 10 मिनट की लगती है। कितनी बार तो अपने वीडियो में जस्ट मरने वाले होते हैं, यानी कोई रैंडम गेम प्ले नहीं होता, बट एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी होती है। अब देखो ये सब कुछ तो थ्रू आउट द वीडियो चलता रहता है, बट इसके अलावा भी टेक्नो गेमर्स एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज करते हैं जिसकी वजह से लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उसमें मैं एंड में ना हमेशा एक सस्पेंस छोड़ता था। अच्छा, एक हमेशा खतरनाक सस्पेंस रहता है, तो वो बंदों को उससे वेट नहीं होता था, बंदे कहते जल्दी जल्दी कर दो भाई। अब rather than completing the whole video, techno gamers last में उस video को incomplete छोड़ देते हैं। वो पहले नहीं होता serials में कि to be continued, वैसे कुछ करते हैं techno gamers अपनी video के साथ। फिर इससे ये होता है कि लोग next video का wait करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनके channel को subscribe करते हैं, इनफैक्ट notification bell भी on कर लेते हैं, ताकि जब भी उस video का next part आए तो वो आराम से देख पाए। अब देखो ये सारी चीजें ना काफी important है, high watch time and high retention rate, पर इन सब चीजों का क्या फायदा, उस बढ़िया script का क्या फायदा अगर लोग आपकी video पर click ही ना। एंड यही हमें लाते हैं टेक्नो गेमर्स की थर्ड स्ट्रेटजी के ऊपर, दैट इज रिड्यूसिंग द डिसीजन टाइम। जैसे हर एक ब्रांड का लोगो होता है ना, जिस लोगो के थ्रू आप उस ब्रांड को पहचानते हो, फॉर एग्जांपल ये किसका लोगो है या फिर ये किसका लोगो है, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं थंबनेल्स के थ्रू। टेक्नो गेमर्स के 99% थंबनेल्स आपको सेम से ही मिलेंगे, वो ये कि गेम प्ले का स्क्रीनशॉट होता है एंड साइड में उनका फेस होता है। एंड इसके दो फायदे हैं, एक तो हर थंबनेल के लिए उनको कोई नया डिजाइन सोचने की जरूरत नहीं है, सेकंडली आपका डिसीजन टाइम रिड्यूस करता है। अगर आपको रोज नए नए थंबनेल दिखाए जाए तो आप सोचोगे कि इस वीडियो पे क्लिक करूं या ना करूं, बट अगर आप टेक्नो गेमर्स के फैन हो तो आप उसका थंबनेल देखते ही क्लिक कर दोगे, तो ये आपका डिसीजन टाइम रिड्यूस करता है। कहां पहले 10 सेकंड लगा रहे थे एक थंबनेल पर क्लिक करने के लिए, एंड अब आप क्लिक कर रहे हो सिर्फ 1 सेकंड में, तो आपका डिसीजन टाइम 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड वैसे भी यार, जब आपके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो अगर आपके सब्सक्राइबर्स ने आपकी वीडियो देख ली, मतलब आपकी वीडियो पे 30 मिलियन व्यूज आ गए, वो ही बहुत बड़ी बात है। आपके खुद के सब्सक्राइबर्स ही देख ले तो आपको न्यू व्यूअर्स की जरूरत ही नहीं है, बट आपको एक चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड वो है सब्सक्राइब बटन को दबा देना। अगर आपको ऐसे टाइप का कंटेंट पसंद आते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, ऑल्सो अपने फेवरेट यूट्यूबर का कमेंट सेक्शन में जरूर नाम लिख देना, ताकि नेक्स्ट में उसके ऊपर भी वीडियो बना पाऊं। एंड अगर कोई भी डाउट होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।